इलेक्ट्रिक बेल। तो हम इसमें इलेक्ट्रिक बेल के वर्किंग के बारे में सीखेंगे। तो हमने क्या देखा है कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और अगर हम किसी आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कॉइल बना दें और उसमें से करंट फ्लो कराएं, तो आयरन भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा हो जाती है और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अपने को देखने को मिलती है। तो जैसे हमने सोलेनोइड में देखा था कि अगर एक कॉइल है, उस कॉइल में अगर करंट जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो यहां पर भी कुछ इसी तरह का अरेंजमेंट होता है। हम इस तरह का एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहां पे बैटरी है, ये स्विच है, स्विच का एक एंड यहां इलेक्ट्रोमैग्नेट से कनेक्टेड है, मतलब सर्किट कंप्लीट होगा, ये यहां पे कनेक्टेड है, यहां से करंट, ठीक है, बैटरी ऐसी है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, जब स्विच ऑन होगा तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो इसमें से करंट ऐसे जाएगा, इसमें से करंट इस तरह से जाएगा, तो ये नॉर्थ पोल बनता है जब करंट जाएगा, और यहां से करंट इस तरह से जा रहा था, यहां से ऐसे जाके ऐसे जा रहा, तो यहां पर मैग्नेट का साउथ पोल बनता है, ठीक है। यहां पर एक सॉफ्ट आयरन की स्ट्रिप होती है, ये गोंग है इलेक्ट्रिक बेल का, जिसपे हैमर हिट करता है तो साउंड आता है। यहां पर एक अरेंजमेंट होता है, जो अरेंजमेंट क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, तो यहां पर यह कॉन्टेक्ट लूज होता है। तो देखो क्या होता है, वैसे हम देखें सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है, तो बैटरी से ये वायर कनेक्टेड है, ये स्विच है, हम स्विच को प्रेस करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा, यहां से करंट गया, फिर इस कॉइल से करंट जाएगा, फिर यहां से गया इस तरह से, फिर यहां से गया और यहां से वापस इस सर्किट में आएगा, तो ये सर्किट इस तरह से कंप्लीट होता है। अब देखिए, जब हमने स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करने से, जब हम स्विच ऑफ है तो इसमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं है, ये नॉर्मल क्या है, एक आयरन ब्लॉक्स हैं, तो कोई भी करंट नहीं जा रहा, तो नॉर्मल आयरन ब्लॉक्स हैं, इनमें कुछ भी परमानेंट मैग्नेटिज्म नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है, तो इनका अपना खुद का कोई मैग्नेटिज्म नहीं है, नॉर्मल आयरन के ब्लॉक्स हैं इस तरह के। अब हमने स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन किया तो ये करंट फ्लो करना शुरू हुआ, करंट फ्लो करना शुरू हुआ तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, तो इस ये जो आयरन का मटेरियल है ये किसकी तरह एक्ट करने लगेगा, एक मैग्नेट की तरह। अब ये मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा तो ये जो ये आयरन स्ट्रिप है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी तो थोड़ा सा अपन रफली देखें तो ये कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन से बनाने की कोशिश करें उसको, कि इस तरह से ये जो स्ट्रिप है कुछ अपनी पोजिशन चेंज करेगी और ये हैमर यहां पे जाके हिट करेगा। अब ये जब यहां से डिस्प्लेस होगी तो ये वाला हिस्सा भी ऐसे यहां से डिस्प्लेस होगा, तो यहां से कॉन्टेक्ट जो है वो लूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने स्विच ऑन किया, करंट फ्लो किया, यहां पर एक मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है कॉइल में से तो मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, तो इस मैग्नेट ने आयरन की रॉड को, आयरन की स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इस अट्रैक्शन से हैमर यहां पे जाके टकराया और यहां से कॉन्टेक्ट लूज हो गया। अब हैमर टकराया तो साउंड आया, लेकिन कॉन्टेक्ट लूज हो गया तो करंट फ्लो करना बंद कर दिया, करंट फ्लो करना बंद कर दिया तो इसने अपना मैग्नेटिज्म लूज कर दिया, मैग्नेटिज्म लूज कर दिया तो यह फिर वापस जाके वहां पर टकरा जाएगा, तो यहां पर एक स्प्रिंग अरेंजमेंट होता है जो स्प्रिंग इसको वापस अपनी पोजिशन में लाने की टेंडेंसी रखता है। तो जैसे ही हमने इसको करंट, मतलब यहां से ये कॉन्टेक्ट छूटा, करंट जीरो हुआ, इसने मैग्नेटिज्म लूज किया, ये वापस जाएगा, वापस जाएगा, जैसे ही ये टच करेगा फिर से करंट फ्लो करेगा, फिर से करंट फ्लो करेगा, फिर से मैग्नेटिज्म आएगा, फिर से मैग्नेटिज्म आएगा तो फिर से ये जाके टकराएगा, टकराएगा फिर करंट बंद हो गया, करंट बंद हो गया तो फिर पीछे जाएगा, ऐसे जब तक हम स्विच प्रेस करके रखेंगे तब तक ये कंटिन्यूअसली इसको हिट करता रहेगा और हमें साउंड सुनाई देता रहेगा, और हम स्विच ऑफ कर देंगे तो फिर कोई मैग्नेटिज्म नहीं आएगा और ये अपनी इनिशियल पोजीशन में रहेगा। आ रहा है समझिए, तो रफली जो नई पोजीशन है तो नई पोजीशन में ये स्ट्रिप ऐसे मूव करती है, यहां से कॉन्टेक्ट लूज हो जाता है, कॉन्टेक्ट लूज होते ही करंट फ्लो करना बंद करता है तो ये अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है, मैग्नेटिज्म लूज करता है
तो ये फिर वापस से अपनी पोजीशन पे चला जाता है। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली हैमरिंग होती रहती है जब तक हम स्विच प्रेस करके रखते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक बेल का इस तरह से वर्किंग होती है।